कल देर रात तुजन में एक जॉइंट ऑपरेशन लॉन्च किया गया। जो ही हमारी सर्विस पार्टियां टारगेट हाउस की तरफ जा रही थी तो घर में छुपे जो टेररिस्ट थे उन्होंने सर्विस पार्टी पे फायर किया, तो फायरिंग का तबादला देर रात तक चलता रहा। अर्ली मॉर्निंग दो टेररिस्ट न्यूट्रलाइज किए गए, उनसे भारी मकदार में गोला बारूद बरामद किया गया जिसमें AK-47 पिस्टल ग्रेनेड्स और बाकी चीज़ें बरामद हुई। और इन दोनों टेररिस्ट की शिनाख्त, एक आबिद जो बरपुरा पुलवामा का है, दूसरा माजिद नज़ीर जो लडू पांपुर साइड का है। ये ऑपरेशन सिक्योरिटी फोर्सेस के इसलिए इम्पॉर्टेंट था कि रिसेंटली हमारे एक सब इंस्पेक्टर फारूक अहमद जो सम्बोरा के रहने वाले थे, उनकी हत्या उनको इसी टेररिस्ट ने जो माजिद नज़ीर ने मारा था। उसमें हमें ऑलरेडी कुछ जो हमने उन दिनों जिस दिन ये सब इंस्पेक्टर शहीद हुआ था उस दिन हमने कुछ लोग उठाए थे जिनके इंट्रोगेशन के पता चला और जिन्होंने इंकशाफ किया कि माजिद नज़ीर ही इन्वॉल्व है इस किलिंग में। तो उसी दिन से फोर्सेज इस काम में लग गई थी माजिद को ढूंढने में, और कल रात को जो ही खबर मिल के गार्डन हुआ और ये दोनों टेररिस्ट से न्यूट्रलाइज किए गए। सर, माजिद क्या हाइब्रिड मिलिटेंट था या नहीं? माजिद की मिसिंग रिपोर्ट बाजाब्ते कंसर्न थाने में पड़ी है, तो वो कैटेगराइज है उसकी कैटेगराइज। इसके अलावा कोई कार्रवाई में मुलव्वस था क्या माजिद? कुछ और असल में माजिद अवंतीपुरा ज़िले का है, तो बाकी तफसीलत SSP अवंतीपुरा के इसके बारे में। सर, कैन यू टेल समथिंग अबाउट नंबर ऑफ मिलिटेंट्स एक्टिव इन पुलवामा डिस्ट्रिक्ट? नहीं, उनकी तादाद बहुत कम होगी, आप लोग तो देखते रहते हो, तो देर आए तो बाकी चीज़ें ठीक हो जाएंगी।